दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आप मेरा नया हेयर स्टाइल तो देख ही चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा आपको हमारा हेयर स्टाइल कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले भैया सैमसंग के बारे में। सैमसंग के कुछ मोबाइल्स के ऊपर हम थोड़ा सा जिक्र डालेंगे। सैमसंग का क्या है, इंडिया के अंदर कैसा मार्केट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरी यदि हेयर स्टाइल भी पसंद आए तो भी वीडियो को लाइक करना है, और पसंद नहीं आए तो भी वीडियो को लाइक करना। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमें बताइएगा, और चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल न्यूज और जो काफ़ी टेक्निकल वीडियो, मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सैमसंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग ने जो अपनी सैमसंग की ए सीरीज है उसके पाँच मिलियन जो सैमसंग गलेक्सी ए सीरीज है उसकी 5 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो सैमसंग ने 70 दिनों के अंदर जो है बेच दिए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसके यदि रेवेन्यू की हम बात करें तो ये रेवेन्यू जाता है $1 बिलियन, यानी $1 बिलियन जो है सैमसंग ने 70 दिनों के अंदर कमा लिया है। और बात करते हैं सैमसंग के इसके बारे में, तो ये जो है इसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है जो सैमसंग एक्सपेक्ट कर रहा है इंडियन मार्केट से, वो बोल रहा है कि हम जो है $4 बिलियन जो है वो इंडिया से हम कमा लेंगे। ये ऐसा सैमसंग का कहना है। ये ए फोन जो है सैमसंग का, इसकी जो प्राइस है, प्राइस रेंज है, वो इस सीरीज़ की बड़े ही मज़ेदार है। ये फ़ोन स्टार्ट हो जाता है 5300 रुपये, यानी 5300 रुपये से ही इसकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है, जो जाती है भैया हाईएस्ट 29000 रुपये तक। और सैमसंग क्लेम कर रहा है कि सैमसंग ने जो है अपना इंडिया के अंदर 77% मार्केट के ऊपर जो है सैमसंग ने अपना होल्ड बना के रखा हुआ है। और यदि सैमसंग के इस सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स की मैं बात करूं तो हमारे पास इस सीरीज़ में हमें देखने को मिल जाता है सैमसंग गलेक्सी A10 हमें देखने को मिल जाता है, A20 हमें देखने को मिल जाता है, A30 हमें देखने को मिल जाता है, और A50 हमें देखने को मिल जाता है। इन फ़ोन्स की डिटेल्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी और काफ़ी जगह मिल जाएंगी। और यदि आप चाहते हैं इनमें से किसी फ़ोन की मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर आपके लिए सारे स्पेसिफिकेशन को मैं बता पाऊँ, तो हमें आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम आपके लिए जो है वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सैमसंग जो है अपने सैमसंग के ऊपर जो अपना ट्रस्ट है, इंडिया के सभी यूजर्स का जो ट्रस्ट है वो सैमसंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और सैमसंग ने काफ़ी हद तक अपने स्मार्टफोन पर काम किया है। पहले जो सैमसंग के जो फ़ोन्स आते थे वो काफ़ी प्राइस के अंदर काफ़ी महंगे होते थे, इसके कारण से हमें जो है काफ़ी दूसरे ऑप्शन देखने पड़ते थे। अब जैसे कि इसका कॉम्पिटिटर जो अवेलेबल है सैमसंग का वो है शाओमी, जो काफ़ी अच्छा कॉम्पीट कर रहा है सैमसंग को। तो इन दोनों के चलते जो है सैमसंग ने भी अपने प्राइस के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, और इनके स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, ये कहा जा सकता है। नो डाउट सैमसंग के जो स्मार्टफोन हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। यदि बात करें सैमसंग के गलेक्सी A50 की, तो एक शानदार हमें जो है फ़ोन देखने को मिल जाता है। मानते हैं थोड़ा सा प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सा हल्का है, बाकी फ़ोन के अंदर कोई कमी नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में मेरा यही कहना है कि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो मेरे को लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा जो है वो लीक कर जाता है। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जितना वो अच्छा या फास्ट नहीं मिल पाता, ये मेरा खुद का है। आपका क्या कहना है, यदि आप भी सैमसंग की कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे हमें आपके लिए नए वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती रहती है, और आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।